हम लोगों को थर्ड ग्रेड की दवाइयां मिल रही, तो जनता का क्या हाल होगा? मैं चाहूंगा कि आप इसको दिखवाइए। और आपके ट्रामा सेंटर में जितने भी मेडिकल आपके लोहिया में, आपके पीजीआई में, यकीन मानिए मरीज दर दर का ठोकर खा रहा है। जाता है तो उसको भगा दिया जाता है। माननीय ब्रजेश पैसा, ब्रजेश पाठक जैसा उप मुख्यमंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, ऐसी मजाल किसकी किसकी हिम्मत है कि ये क्या नाम हमारी जनता को वापस कर दे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस पर नजर रखें, पहली नजर रखें। जो 2491 करोड़ रुपए रखा गया है नए मेडिकल कॉलेज पे, उस पर आप जरा देखें कि क्या जो सरिया लगनी चाहिए उसमें क्या लग रही है, क्या जो सीमेंट की क्वालिटी और क्वांटिटी क्या बेहतर लगाया जा रहा है। विधानसभा में एक बार फिर ताहिर खान जमकर दहाड़े। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वो सीधे डिप्टी सीएम से ही भिड़ गए। उन्होंने डिप्टी सीएम को दोस्ती और ताल्लुक का हवाला देते हुए इलाके की दिक्कतों के बारे में बताया। अधिष्ठाता महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी हमारे दोस्त भी रह चुके हैं, सांसद भी थे हमारे साथ। 8528 MBBS की सीटें करने का काम किया, मगर मैं 25 करोड़ की आबादी है, बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत बिग प्रदेश है, ये ऊंट के मुंह में जीरा है। इसको बढ़ाने का काम करिए, आपके पास कानून का खजाना है, खजाने का इस्तेमाल करिए माय डियर। सुल्तानपुर के इसौली विधायक ताहिर खान ने सदन में अपनी बात शुरू करते हुए बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा उठाया। उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुखातिब होते हुए बदहाल CSC और PSC पर चर्चा की, और उनके बोलने का अंदाज भी कुछ ऐसा था कि डिप्टी सीएम खुद भी मुस्कुरा दिए। अभी आपके हॉस्पिटल बलरामपुर में, अभी हमारे एक दोस्त शुगर की बात कर रहे थे, इंसुलिन नहीं है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे बड़े भाई, यानी आप सोचिए इंसुलिन नहीं है अस्पतालों में, इंसुलिन नहीं है, बड़ी 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 दयनीय स्थिति है भाई साहब, बहुत बड़ी, बहुत कष्ट का विषय है। विधायक ताहिर खान ने साफ कहा कि CSC और PSC में जो दवाएं इस वक्त दी जा रही हैं वो थर्ड क्लास की हैं, जिससे मरीजों को कोई फायदा नहीं हो रहा। उनका कहना है कि सरकारी अस्पतालों में इंटरनेशनल ग्रेड की दवाएं मिलनी चाहिए। दूसरी बात जो है, इतना बड़ा बजट, अभी बहन बता रही थी 400 करोड़ रुपए हमारे CSC और PSC सेंटरों को मॉडर्नाइज करने के लिए, आधुनिकरण करने के लिए दिया है। मैं कहूंगा इस बजट को और आप बढ़ाएं, क्योंकि ये बजट भी बहुत कम है। CSC सेंटरों पे जो दवाएं हैं वो बहुत ही थर्ड क्लास की, सी ग्रेड की दवाएं हैं। मैं चाहूंगा कि उसको आप खुद निरीक्षण करके देखें कि वो दवाएं अच्छी कंपनियों की होनी चाहिए, वो उसी जो ग्रेड होनी चाहिए, इंटरनेशनल मानक पर फॉलो होना चाहिए, वो बहुत जीरो ग्रेड है। यहां तक कि जो हम लोगों को दवाइयां मिल रही हैं अभी स्वास्थ्य महकमे से, CSC PSC सेंटरों से, वो भी बहुत थर्ड ग्रेड की। जब हम लोगों को थर्ड ग्रेड की दवाइयां मिल रही, तो जनता का क्या हाल होगा? मैं चाहूंगा कि आप इसको दिखाइए। दूसरी बात, अभी पैरामेडिकल स्टाफ की बात बहन बात कर रही थी, ना तो डॉक्टर्स हैं ना पैरामेडिकल स्टाफ है। मैं चाहूंगा कि आप दृढ़ इच्छा से बहन रखते हैं, अधिष्ठाता महोदय रखते हैं आप, और इनको काम करने के दर्द है। मैं जानता हूं एक अच्छे इंसान है, मगर क्यों उसको क्यों नहीं आप तो अपनी जमा पहना पा रहे हैं आप? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी है, इस पर आप सोचिए कहां कमी है जो है। अपने भाषण में ताहिर ने उस वक्त हद कर दी जब उन्होंने डिप्टी सीएम को समाजवादी पार्टी को फॉलो करने की हिदायत दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर सरकार समाजवादियों को फॉलो करेगी तो प्रदेश बहुत विकास करेगा। अभी हमारी अपनी बात को माननीय लालजी वर्मा हमारे जो है मजबूत स्तंभ, जिन्होंने हमेशा गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों की बात रखी, आपको जगाने का काम किया। अगर समाजवादियों की बात को आपने फॉलो कर लिया, तो यकीन मानिए कि जिला भी बेहतर होगा, गांव भी बेहतर होगा, और हमारा प्रदेश भी बेहतर होगा। इसी के साथ ताहिर खान ने डिप्टी सीएम को दोस्ती का हवाला दिया और इसौली के बदहाल हालात से रूबरू करवाया। ताहिर ने साफ कहा कि आपके पास सरकार का खजाना है, लिहाजा इसौली के CSC और PSC में MRI और एक्सरे जैसी मशीनों को बढ़ा दिया जाए, ताकि आम लोगों की दिक्कतें दूर हो सके। मेरी आपसे गुजारिश है कि इसौली विधानसभा हमारी है, उसको भी आप थोड़ा, सुल्तानपुर जिले में बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, थोड़ा उस पर भी CSC PSC सेंटरों पर अगर MRI की फैसिलिटी बढ़ा दें। आप हमारे दोस्त रह चुके हैं सांसद, कुछ ना कुछ तो इसका ख्याल रखें आप।
उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड मशीनें बढ़ा दे जो है, और उसके बाद एक्सरे मशीनें बढ़ा दे। आपके पास कानून का खजाना बहुत बड़ा खजाना है, जो खजाना इतना बड़ा है और उस पर हमारे नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष हमारे अखिलेश भैया ने आपके लिए मजबूती से स्वास्थ्य का रकम बढ़ाने की बात की है और उस पर हम सब लोगों की सहमति है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप जो है अजीज है, तो मेडिकल इक्विपमेंट जो है अच्छी कैटेगरी का, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सीएससी और पीएससी सेंटरों पर वर्ल्ड क्लास मानक फॉलो करते हुए आप मेडिकल इक्विपमेंट अच्छे किस्म का रखने का काम करेंगे, लगाने का काम करेंगे। इसके लिए सदन को आप अपनी इशारे से कह दीजिए कि हाँ लगाएंगे, तब भी हम समझे कि हाँ हमारे दोस्त कुछ कह रहे हैं। है? दूसरी बात, जिस प्रकार जिलों में और आपके ट्रामा सेंटर में जितने भी मेडिकल आपके लोहिया में आपके पीजीआई में, यकीन मानिए मरीज दर दर का ठोकर खा रहा है, जाता है तो उसको भगा दिया जाता है। कम से कम इस पर आप गौर फिक्र करें, क्यों ऐसा हो रहा। माननीय सदस्य जल्दी समराइज कर लीजिए प्लीज, जहां पर आधे मिनट में कर लीजिए फटाफट। जहां पर माननीय ब्रजेश पाठक जैसा उप मुख्यमंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, ऐसी मजाल किसकी हिम्मत है कि क्या नाम हमारी जनता को वापस कर दे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस पर नजर रखें, पहली नजर रखें। और दूसरी बात, आप मुझसे मेरी गुजारिश है कि जो 2491 करोड़ रुपए रखा गया है नए मेडिकल कॉलेज पे, उस पर आप जरा देखें कि क्या जो सरिया लगनी चाहिए उसमें क्या लग रही है, क्या जो सीमेंट की क्वालिटी और क्वांटिटी क्या बेहतर लगाया जा रहा है। एक आध बार दौरा करके उसको भी देख लें कि जो मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं उनकी क्वांटिटी जल्दी खत्म कर दीजिए। नहीं है और नहीं है, खत्म कर दीजिए। हम चाहेंगे आपके जरिए मांग करेंगे माननीय उस पर माननीय पाठक जी जाए और उस पर माननीय डॉक्टर सुरभि जी निरीक्षण करें और साथ साथ अपने अपने साथ बेहतरीन कमेटी लेकर जाए, जो जानकार कमेटी हो, जो देखे कि मेडिकल के जो अपनी बात खत्म करते करते विधायक ताहिर खान मोशन में आ गए और सदन में ही दहाड़ने लगे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द इसौली का कायाकल्प होने वाला है। सुल्तानपुर से न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ अफजल खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।